अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये टिपिकल की फ्लैट लॉक मशीन है और इसका मॉडल नंबर है GK 32700/1356। तो दोस्तों इसका ये आज मैं आपको इसके लूपर होल्डर में जो ये ऐसे चाल आ जाता है ये चाल मैं बंद करके दिखाऊंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप कर करके नहीं देखेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका ये लूपर असेंबली का चाल किस तरीके से ख़त्म किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक फॉल्ट ये आ रहा है कि ये जब हम इसको ऐसे हिला रहे हैं तो इसके अंदर चाल आ रहा है, ये चाल नहीं आना चाहिए। और जब हम इसको ऐसे हिलाते हैं इसके लूपर को तो ऐसे में ज़रा भी चाल नहीं है, बिल्कुल फिक्स है। और ऐसे जब हिला रहे हैं तो इसके अंदर चाल है। तो इसका हमने सारी चीज़ों को चेक किया, इसका ये सारा जो लूपर असेंबली है और अवॉर्डिंग है ये सही है, इसका जो कनेक्टिंग लगा हुआ है वो ख़राब है। जब हम लूपर को ऐसे हिलाते हैं तो ये आपको इसका कनेक्टिंग हिलता हुआ दिखेगा। इधर से हमने व्हील पकड़ लेना हाथ से और इसको ऐसे हिलाना है तो ये हमारा कनेक्टिंग आपको हिलता हुआ दिखेगा। ये भी ऐसे तो जब मैं हिला रहा हूँ तो कनेक्टिंग के अंदर गेप हो रहा है और कनेक्टिंग आगे पीछे हो रहा है और इसी वजह कर हमारा ये शाफ्ट जो है लूपर वर शाफ्ट ये आगे पीछे हो रहा है। इसका ये कनेक्टिंग हम नया लगा के देखेंगे इसी शाफ्ट के ऊपर। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका ये कनेक्टिंग किस तरीके से चेंज किया जाता है। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई नया है, मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी लाजमी दबा ले। तो दोस्तों इसके हम कनेक्टिंग के ये ऊपर वाले ये दोनों स्क्रू को खोल लेंगे और खोलने के बाद फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों एक हाथ से इसको ऊपर ला के कनेक्टिंग को हम ऊपर की तरफ लाएंगे व्हील की मदद से और व्हील को वहीं पे रोक लेंगे और फिर इसको हम खोल लेंगे ताकि ये एक जगह पे रुक जाए। दोस्तों स्क्रू को हम यहाँ से ऐसे उठा लेंगे और फिर इसके दूसरे स्क्रू को भी हम खोल लेंगे। दूसरे स्क्रू पर भी हमने ऐसे पेचकस लगाना है और इसको व्हील पकड़ लेना है और फिर इसको हम घुमा के खोल लेंगे। दोस्तों इस पीस को भी हम यहाँ से ऐसे उठा लेंगे तो हमारा स्क्रू समेत ये बाहर आ गया है। दोस्तों ये जो दो स्क्रू दिख रहा है हमारे कनेक्टिंग के ऊपर इसको भी हमने खोल लेना है। ये हमने इसका एक स्क्रू लूज कर लिया, इसी तरीके से हम दूसरा भी निकाल लेंगे। ये दूसरा स्क्रू भी इसका हम यहाँ से ऐसे खोल लेंगे तो हमारा ये कनेक्टिंग खुल जाएगा, बाहर आ जाएगा। दोस्तों इस पीस को हम यहाँ से उठा लेंगे, ये हमारा दोनों साइड का कनेक्टिंग खुल गया। हम बीच का जो है ये हमारा खुल के बाहर है। अब इस पर हम नया लगाएंगे, ये हमने नया मंगवाया हुआ है। दोस्तों ये कनेक्टिंग हमने मंगवाया हुआ है और ये YAO ये कोई कंपनी है, चाइना की कंपनी है। तो हम ये अभी लगा के चेक करेंगे, जब तक कपोर्जा हम मशीन पे लगेगा नहीं तो पता नहीं लगता कि ये बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो देख के कोई भी नहीं बता सकता कि ये पुर्जा बैठेगा नहीं बैठेगा, सिर्फ क्वालिटी बता सकते हैं कि हाँ दोनों सेम है या दोनों में फ़र्क है, बकिया ये लगेगा तभी पता लगता है मशीन के अंदर। तो हम इसके ये दोनों स्क्रू को निकाल लेंगे बाहर। निकालने के बाद इसको हम इसके ऊपर पहले चेक कर लेंगे कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों कनेक्टिंग का दोनों साइड का ये टॉप का हिस्सा हम हटा देंगे। दोस्तों इसको हम इस तरीके से इसका जो ये जो टक्कर वाला हिस्सा है इसको अंदर की तरफ ऐसे रखना है और ये फ्लेट वाला हिस्सा है जो सीधा हिस्सा है बिल्कुल इसको हम इधर ऐसे रखेंगे और इसको इधर हम ऐसे फिट करने की कोशिश करेंगे। ये इधर बैठाने के बाद फिर इसको हमने ऐसे इधर इसके ऊपर ऐसे बैठा देंगे। जब ये बैठ जाएगा ऐसे फिर इसके ऊपर हम ये लगा देंगे इसको। इसके अंदर एक कट हिस्सा होता है जो दोनों का साइड एक करता है, जो इसके ऊपर जो इसका टॉप वाला हिस्सा है जिसको कवर कर लेगा, इसके अंदर ये कट वाला हिस्सा बना हुआ होता है। ये कट वाला हिस्सा जो है ये हमारा नीचे की तरफ इधर दिख रहा है तो आपने ये चीज़ लाजमी देखना है, उल्टा नहीं कर देना, उल्टा कर देंगे तो ये बैठेगा नहीं सही। दोस्तों अभी फिलहाल हम इसको बैठा के चेक करेंगे कि ये इसके ऊपर सही मूवमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर ये सही मूवमेंट देने लगेगा तो फिर हम इसको दोबारा बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद फिर इसके और भी पुर्जे जो इसके ऊपर फिट होंगे वो लगा के फिर हम इसको दोबारा फिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे थोड़ा ग्रीस लगा लेना दोनों साइड पे, इधर भी हमने ग्रीस लगा लेना और ये करने के बाद फिर हम इसको फिट करेंगे। इसको हम इधर ऐसे रख के दोस्तों ये यहाँ पे ऐसे हम फिट कर लेंगे, एक चूड़ी को चढ़ा लेंगे ताकि ये पकड़ ले। उसके बाद फिर एल की लगा के हम टाइट कर लेंगे, इसका दूसरा स्क्रू भी हम लगा लेंगे। दोस्तों इसको फुल टाइट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा टाइट करना है और फिर हम इसका व्हील घुमा घुमा के चेक करेंगे कि ये
पुर्जा फ्री है या नहीं है, यानी कि कनेक्टिंग हमारा फ्री होना चाहिए बिल्कुल। इसको हल्का सा बैठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक साइड से ये बैठा नहीं है, इसको ऐसे सीधा करके और दूसरे स्क्रू को भी हम टाइट करेंगे। ये अभी बैठ गया है सही, और इधर से भी इसको बैठा के चेक कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम लोकल सामान इस्तेमाल करते हैं तो ये सही फिट नहीं होता है, या इसके अंदर चाल रह जाता है, या ये जाम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेहतरीन फिट हो गया है, बिल्कुल कोई भी चाल नहीं है। इसका ऊपर वाला भी हम कनेक्टिंग इसका फिट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको खोल के बाहर निकाल के इसके और भी पुर्जे को इसके अंदर फिट करेंगे, ताकि ये एक जगह पे ऐसे सीधा हो, ऐसे ऐसे मूव ना करें। दोस्तों इसको खोल के हम ऐसे बाहर निकाल देंगे दोबारा, और निकालने के बाद फिर आगे देखें। दोस्तों इसका व्हील घुमा के हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे, और ये इस पर से पीछे किया, और ये कनेक्टिंग हमारे बाहर आ गया। दोस्तों इसका ये दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। ये जो पीस है ये कनेक्टिंग को सीधा रखने का काम कर रहा है, जिसको हमने खोल लेना और फिर इसको सीधा फिट करना है। तो ये पेचकस से हमने दोनों को लूज़ किया हुआ है पहले से, और इसको खोल के हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के फिर दूसरे कनेक्टिंग में फिट करते हैं। दोस्तों ये हमने इस तरीके से, देखिएगा इसके अंदर भी ऐसे ही फिट था, इसको भी हमने ऐसे रख लेना है, और रखने के बाद ये स्क्रू हम इसके अंदर ऐसे लगा लेंगे। तो इसका दूसरा स्क्रू भी हमने ऐसे आगे लगा लेना है, और लगाने के बाद इसको नॉर्मल टाइट करना है, ताकि हम इसकी सेटिंग कर सकें। हमने ऐसे नॉर्मल टाइट करना है ताकि हम इसकी सेटिंग कर सकें। अभी ये सेंटर में नहीं है, ये ऐसे ही अपनी जगह खुद बनाएगा। दोस्तों इसको हम इस तरीके से ऐसे इस पर फिट कर लेंगे, और फिट करने के बाद फिर हम इसको ऐसे जगह पे ले आके ऐसे बैठाएंगे, और बैठाने के बाद फिर इसको भी हम यहाँ से ऐसे बैठाएंगे, इन दोनों पीस को ऐसे बैठा के, और फिर हम व्हील घुमाएंगे ऐसे, हाथ यहाँ पे रख के ऐसे व्हील घुमाएंगे ऐसे को, वो जो हमारा पीस लगा हुआ है वो खुद ब खुद अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से घुमा के, और फिर इसको ऐसे ऊपर ले आकर रोकना है, फिर इसको ऐसे पीछे हटाना है, तो हमारा वो पीस अपने जगह पे अभी सेट होगा। क्योंकि दोस्तों इस पीस ने अपना जगह बना लिया है, जिस तरीके से हमने अभी घुमाया, तो इसने अपना जगह खुद ब खुद बना लिया है। अब हमने इसको इसी जगह पे तो इसके दोनों स्क्रू को थोड़ा थोड़ा करके टाइट कर देना है, इधर से ये थोड़ा सा टाइट करना, फिर थोड़ा सा ये टाइट करना। अगर एक को ज़्यादा ज़ोर से टाइट करेंगे तो ये पीस अपने जगह से हिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन दोनों स्क्रू को फुल टाइट कर लेना, बिल्कुल ज़ोर लगा के, ताकि ये ना मशीन चलते हुए खुले, और ना ही ये अंदर लूज़ हो गया हिलता रहे ऐसे। दोस्तों इसको मैंने अच्छी तरीके से टाइट किया है, इसको फिर तो एक दफ़ा वहीं पे ऐसे लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीस लगा लेना है दोनों साइड पे। इधर भी हम ग्रीस लगा लेंगे ऐसे, और इधर भी हम ग्रीस लगा लेंगे, और फिर हम इसको लगाएंगे ऐसे। इसको लगाते वक्त ये कट को याद कर लेना है कि किस तरफ आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हमने ऐसे लगा लेना है, हमने जगह पर बैठा लेना है ऐसे। और ये बैठ गया अभी जगह पर, हम इसका ऊपर वाला टॉप कनेक्टिंग लगा लेंगे, जो इसको जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ। तो हमारा जो ये कट वाला हिस्सा था, ये नीचे की तरफ है, तो हम इसको नीचे की तरफ रख के ऐसे इस जगह पे लगा लेंगे, थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे इस जगह पे, थोड़ा ग्रीस लगा लेना, फिर इसको ऐसे हमने इधर बैठा लेना। इसके स्क्रू को हम हटा लेंगे फिलहाल, और इसके साथ ऑयल को जंप कराने वाला ये पथरी है, ये जब मशीन में ऑयल हमारा कम हो जाता है, तो ये ऑयल को नीचे से ऐसे जम कराता, ताकि इसके अंदर ऑयल आता रहे। तो ये भी हमने साथ साथ लगा लेना है इन दोनों स्क्रू के साथ। तीन नंबर की पीस है, दोनों स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसको थोड़ा थोड़ा टाइट करना है, और टाइट करते वक्त इसको हमने देखना है कि कनेक्टिंग हमारा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे लेवल में नीचे वाले के साथ। फिर हमने दोनों स्क्रू को थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाना है ऐसे, व्हील घुमा के ऐसे हमने इधर अंगूठा ऐसे रख लेना है, और व्हील घुमा के देखना है कि कहीं जाम वगैरह तो नहीं हो रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। तो इसके स्क्रू को हम और भी टाइट कर लेंगे दोनों को, ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा करके दोनों स्क्रू को टाइट करते जाना है, और इसके कनेक्टिंग को हमने बैठा लेना है। बेहतरीन काम कर रहा है, बिल्कुल भी जाम बना नहीं है व्हील के अंदर, इतना जाम है कि ये अगर हम मशीन को रवा करेंगे, थोड़ा चलाएंगे, तो ये रवा हो जाएगा इसके अंदर। और भी हम इसको टाइट करेंगे, क्योंकि ये चलते वक्त खुलना नहीं चाहिए, और इसको टाइट करते वक्त ये ध्यान देना कि ये एक साइड पे घूमता चला जाएगा। इसको हमने सीधा भी कर लेना है ऐसे, जैसे हमने सीधा करके ऐसे, और पेचकस से एक साइड पे अड़ाना है, ताकि ये एक साइड पे घूमे नहीं। जैसे हम पेचकस से अड़ा के फिर हम इसको टाइट करेंगे, तो ये अभी ऐसे घूमे नहीं, तभी ये तकरीबन टाइट है। व्हील घुमा के हम देख लेंगे, बिल्कुल सही है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों अब इसका ये कनेक्टिंग का टॉप वाला हिस्सा फिट कर लेते हैं। तो इसका ये मार्क जो है ये इस साइड पे है, ये आपको दिख रहा होगा। तो नीचे जो कनेक्टिंग हमारा जिसके साथ ये कनेक्ट होगा वो इस तरफ है, तो हम दोनों को एक साइड पे करके
और इसको हम जगह पे ले जाके इसे बैठा देंगे। नीचे से हाथ लगा के रखना है ताकि कनेक्टिंग एक जगह पे रुका रहे। अब ये बैठ गया है, अब हम इसके स्क्रू को ले जाके जगह पे रोक लेंगे। तो ट्यूज़र की मदद से आप पकड़ के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उंगलियाँ मोटी होती है इसलिए ये काम सही नहीं होता। फिर तो हमने ये स्क्रू एक बैठा लिया, अब इसको हम टाइट कर लेते हैं। ये हमने इसको टाइट कर लिया और टाइट करने के बाद इसका व्हील घुमाएंगे और व्हील घुमा के इसका दूसरा स्क्रू का हिस्सा भी हम सामने लाएंगे ऐसे, और दूसरे स्क्रू को भी हम ट्यूज़र से पकड़ के जगह पे ले जाएंगे। ये हमने जगह पे बैठा दिया इसको और ये इसको भी हम टाइट कर लेंगे। दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा टाइट करना है और इसके व्हील को घुमाते जाना है, और इसको रवा करते हुए हमने इसको फुल टाइट कर लेना है बिल्कुल। तो ये अभी हमने इसको हल्का सा टाइट किया, टाइट करने के बाद इसके व्हील को हम ऐसे घुमाएंगे बेहतरीन, कहीं पे भी जाम नहीं हो रहा। फिर इसको हम थोड़ा सा टाइट करेंगे हल्का सा, और फिर ये वाले को भी हल्का सा हम टाइट करेंगे और फिर हम इसके व्हील को घुमा के देखेंगे तो बेहतरीन काम कर रहा है। इसको और टाइट करेंगे, फिर इसको और टाइट करेंगे। अभी ये तकरीबन अपने हद तक पहुँच गया है टाइट के, और अब हम इसको थोड़ा सा सही का टाइट करेंगे। ये अभी हमने इसको एक को टाइट किया और ये दूसरे वाले को भी हमने थोड़ा सही का टाइट कर दिया। व्हील अभी भी हमारा बिल्कुल फ्री है, इसी तरीके से फिट करना है आपने। और इसके लूपर को हम हिला के देखेंगे कि इसके अंदर चाल वगैरह तो नहीं है, बेहतरीन हो गया है, ज़रा भी चाल नहीं है। इसी तरीके से आपने फ़िट करना है तो ये फिट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर किया करें। और अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी लाजमी दबा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।